अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों के फ्रंट से हेयर जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस रिसीव हुए थे कि आपके फ्रंट से बाल कम हो रहे हैं और फ्रंट से जो है वो गंजी हो रही है, मेरे बाल पतले हो रहे हैं फ्रंट से। स्पेशली प्रेगनेंसी में उतरते हैं बाल और आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे बाल जरूर उतरते हैं। अभी देखें, अब आज जो ये साल का हुआ है ना, इस दौरान मुझे फ्रंट से मेरे बहुत बाल उतरे थे। अब प्रीवियस वीडियोज देखेंगे तो आपको आएगा। ऐसे है मेरे साथ बलाज की दफा में भी हुआ था। कटिंग ऐसे क्या करें जिसे फ्रंट के बाल खींचे ना, लाइक कोई फ्लिक वगैरह काट लें जिससे फ्रंट के बाल जो है वो पीछे जाए ना, पोनी वगैरह के अंदर, मतलब ये वाले बालों में ज्यादा स्ट्रेस ना हो। उसके अलावा आप मसाज करें ऑयलिंग का, उसके अलावा आप सीरम लगाएं बालों के अंदर। मैं जो अपने बालों की हेयर केयर करती हूँ और जो चीजें यूज करती हूँ आपको बताया, तुर्किश ब्रांड है इज़मीर ब्यूटी। मुझे उनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, स्पेशली उनका शैम्पू। आज यकीन करें, मेरा देवर आया था आज इफ्तारी पे। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखी होंगी उनको पता होगा, वो जब इफ्तारी करके हम बैठे ना तो वो मेरे साथ डिस्कस कर रहा था कि भाभी जो आपने मुझे शैम्पू दिया था उससे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया, हालांकि मेरे गुच्छे के गुच्छे उतर रहे थे। सेम यही रिव्यू जो है वो मुझे और भी काफी लोगों ने दिया। सिर्फ एक दो लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए, आपको हो सकता है कोई इंटरनल मसला हो, जैसे वकास को है, वकास को शैम्पू से जो है वो फौरन से हेयर फॉल का फर्क नहीं पड़ता था, तो अब वो साथ में जो है वो बायोटिन सप्लीमेंट लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म उनका मसला चल रहा होता है, वो केयर नहीं करते, फिर वो बोलते हैं मैंने ये शैम्पू किया मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चले, सबसे पहले मैं आपको चीजें दिखा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप जो मैं यूज करती हूँ। पूरी तुर्किश वालों की जो हेयर केयर लाइन है वो सारी यूज करती हूँ और इस वजह से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे इसके रिजल्ट पसंद है, वरना मैं अपने बालों पर रिस्क क्यों लूं अगर रिजल्ट अच्छे ना हो। तो जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने की थी ना, उसमें मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की थी और सब पूछ रहे थे कि ऑयल आपने कौन सा लगाया, तो मैंने ये वाला ऑयल लगाया था। ये इज़मीर का ही हेयर केयर ऑयल है, पैकिंग बहुत अच्छी है, अंदर से जो ऑयल है वो ग्लास बोतल में, और बोतल देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मैंने यूज किया। मैं इसको हर दूसरे दिन लगाया होता है मैंने ये ऑयल, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट बहुत पसंद आया था। मैंने मतलब एक दिन मैंने लगाया ना, जैसे मुझे जिस दिन पीआरएससी हुआ ना उस दिन मैंने ये ऑयल लगाया और नेक्स्ट डे मैंने शैम्पू किया तो मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो गए, देखे हालत, इतना मैंने यूज किया है ऑयल के, ये हालत खराब हुई है इसकी। और अभी भी मैंने लेके जो है वो हल्का हल्का सा बालों में लगाया, उससे बाल जो है आपके काफी शाइन करते हैं और काफी अच्छे लगते हैं बालों। और मेरा दिल करता है मैं जब शैम्पू करने वाला हूँ तो इसे एक घंटे पहले लगा लूँ या आधे घंटे पहले लगा लूँ। इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना इसके जो इसके अंदर जो चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 5, विटामिन ई, विटामिन ए, और इसके अलावा जो है सनफ्लावर ऑयल वगैरह जो कि आपके बालों के लिए काफी हेल्पफुल है। सबसे पहली चीज जो ये करता है ना कि आपका हेयर फॉल स्टॉप कर देता है, आपके बालों को घना करता है, आपके बालों को लंबा करता है। जब इसको खोलोगे इसके अंदर से जो खुशबू आती है ना, इतनी अच्छी इसके अंदर से जड़ी बूटियों की खुशबू आती है ना कि आपका दिल खुश हो जाता है। आपको यकीन आ जाता है कि हाँ, इसके अंदर से जो खुशबू, मतलब वो जो खुशबू आ रही होती है ना इसके अंदर से, उस खुशबू से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस ऑयल का रिजल्ट है। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ। जी, ये सारी चीजें हैं इज़मीर ब्यूटी की, तुर्किश ब्रांड है इज़मीर ब्यूटी, जिसकी मैं यूज करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, शैम्पू है इसका और यह है जिसका कंडीशनर। ये बिल्कुल फुल पैक बॉटल पड़ी हुई है क्योंकि ये मैंने अपनी भांजी के लिए मंगवाई है। आपको याद है लास्ट जब मैं मोरगा गई थी तो उसने मुझे बताया कि मामी मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मैंने का मैं यूज करती हूँ, तो मैं वही वाला शैम्पू मंगवा देती हूँ, तुम यूज करो, तुम्हारा हेयर फॉल जो है वो रुक जाएगा। और इतना हेयर फॉल हो रहा है कि वो बच्ची जो है वो हर वक्त दुपट्टा लपेट के फिरती है। ये मैंने उसके लिए मंगवाया है, इसलिए अभी पैकिंग भी पड़ा हुआ और मैंने खोला भी नहीं है, ये कि किसी की चीज़ है मैं नहीं इस्तेमाल करती। उसके बाद ये जी इनका हेयर टेल ये हेयर कॉकटेल सीरम है, इसकी पैकिंग है ये, और ये आपको मैं अंदर से खोल के दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये इसका ड्रॉपर फॉर्म में है और आपको नजर आ रहा है बोतल का कलर डार्क है, सीरम का कलर भी जो है वो हल्का सा इस तरीके का है। फौरन से बंद कर दिया ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। फिर जी ये इनका हेयर ऑयल है, आपको पिक्चर से भी नजर आ रहा होगा, देखें इसके ऊपर एवोकाडो की पिक्चर लगी हुई है, ऑलिव की पिक्चर लगी हुई है, इसके अलावा सनफ्लावर की पिक्चर लगी हुई है, इस तरीके की डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई है। और ये इससे मिलकर बना हुआ और इसमें से वाकई में ही ऐसी खुशबू आती है और इसको देख के पता चलता है कि हाँ भाई, मतलब एक चीज क्लिक करती है ना माइंड में कि ये वर्क करेगा, वो वाली इमेज। ये प्रोडक्ट की पैकिंग भी अच्छी है, प्राइजेस हाई है क्योंकि ऑब्वियसली तुर्किश ब्रांड है, बाहर से आता है, कस्टम बहुत ज्यादा पड़ता है इसके ऊपर तुर्की से पाकिस्तान इंपोर्ट करने पर, क्योंकि प्राइजेस को लेकर मेरी काफी दफा इनसे बात हुई, मैंने काफी दफा इनसे बहस की कि डिस्काउंट दें मेरे फॉलोअर्स को दें स्पेशल डिस्काउंट, तो उन्होंने बोला कि मैम पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पाकिस्तान में प्रोडक्ट जिस प्राइस में तुर्किश में सेल होते हैं हमने उससे कम प्राइस में जो है वो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, बाकी ये जो शैम्पू है वो मेरा नहीं है, ये क्योंकि भांजी का, मेरा शैम्पू वॉशरूम में पड़ा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो अभी मैं वॉशरूम में आ गई हूँ, अभी आप देखें ये जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है ना हॉस्टल शैम्पू और कंडीशनर, ये मेरा है, आपको बोतल से भी नजर आ रहा होगा कितना ज्यादा जो है वो यूज हुआ है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ये ना कहें कि आप खुद ये यूज नहीं करती, मैं यही यूज। आप देखें मेरे फ्रंट पे आपको छोटे 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 से काफी ज्यादा बेबी हेयर नजर आ रहे होंगे, ये देखें मुझे कितने ज्यादा निकले हैं, ये देखें
इतने ज्यादा मुझे बेबी हेयर निकले हैं और आपको मैंने काफी वीडियोस में दिखाया है कि मैं ये वाला हेयर सीरम यूज करती हूँ। मैं इसको रात को सोने से पहले भी लगा लेती हूँ, अक्सर अक्सर जो है इसको हेयर स्टाइलिंग से पहले भी लगा लेती हूँ एज अ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे के तौर पे, एज अ हीट प्रोटेक्टिंग सीरम के तौर पे। इसके अलावा मैं इसको गीले बालों में लाजमी लगाती हूँ, मतलब मैं गीले बालों में लोग लिवोन वगैरह लगाते हैं ना, मैं नहीं लगाती, मेरे बाल जो है ना लिवोन से फ्रिजी हो जाते हैं, तो मैं गीले बालों में यही वाला सीरम लगा लेती हूँ, रूट्स पर लगाती हूँ हल्का सा और हल्का सा बालों के एंड पर लगा लेती हूँ। तो इससे अब आपके सामने है कि कितने ज्यादा मुझे छोटे 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 जो है वो बेबी हेयर निकले आपको देखें, और मेरे बालों की लेंथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है। कितनी दफा बाल कट करवाती हूँ आप लोग देखते हैं वीडियो में, कभी छोटे होते हैं बाल, कभी लंबे होते हैं, लेकिन हेयर केयर करने की वजह से मेरे बालों की जो लेंथ है वो माशाल्लाह से बढ़ती है। हालांकि मेरी बहनों में और किसी के बाल भी अच्छे नहीं है, सिर्फ मेरे बाल अच्छे हैं ना मेरी अम्मी के बाल अच्छे हैं, मतलब लोग बोलते हैं ना कि खानदानी बाल अच्छे होते हैं, किसी के जेनेटिक के लिए होते हैं, तो मेरा वो वाला सीन नहीं है। मैं अपने बालों की केयर करती हूँ तो उस वजह से मेरे बाल अच्छे हैं, जब मैं केयर नहीं करती, केयर छोड़ देती हूँ, तो आपके सामने बाल फ्रिजी भी हो जाता है और रफ भी हो जाता है। तो अभी जो ये सीरम मैंने लिया है इसके अंदर, ठीक है, मैं इसको लगाती किस तरीके से, अगर आपने सिर्फ जो फ्रंट पे आपको हेयर लॉस हो रहा है उसके लिए लगाना है तो आपने इसको इस तरीके से अप्लाई किया, उसके बाद हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में नहीं करना, ऐसे जो बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन होती है ना, इसमें आपने इस तरीके से जो है वो मसाज करना है फ्रंट के बालों में 1 से 2 मिनट। और मसाज भी जो है ना, प्लीज अपने बाल समझ के मसाज किया करें, इतना जोर जोर से मसाज करते हैं यूं यूं करके तो बाल टूटेंगे क्या होगा, बहुत प्यार और मोहब्बत से मसाज किया करें, केयरफुली क्या करें, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन में कभी भी सर पे सर्कुलर मोशन में मसाज नहीं करना चाहिए। शैम्पू भी कर रहे हो या ऑयलिंग भी कर रहे हो तो हमेशा इस तरीके से जो है मसाज करें प्यार प्यार से, क्योंकि मेन चीज होती है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना, बालों की जड़ों को डैमेज करना, बालों को तोड़ना नहीं होता, तो बहुत प्यार से क्या करें। तो इस तरीके से जो है आप सीरम लगाएं बालों के फ्रंट पर, आप रेगुलर लगाएं इसको, बेशक कुछ कोई मसला नहीं, शैम्पू करें या ना करें, शैम्पू से पहले लगाएं, रात को सोने से पहले लगाएं, तो जो आपको फ्रंट से हेयर बैंड का इश्यू आ रहा है ना वो आपको खत्म हो जाएगा। और इसको लगाने के बाद आप डर्मा रोलर भी यूज कर सकते हो, इससे पहले आप डर्मा रोलर अच्छे से यूज करो इस जगह पे और ऊपर से जो ये वाला सीरम लगा लो, उससे भी जो है आपका हेयर बैंड का इशू बहुत जल्दी खत्म होगा अगर आपको कोई इंटरनल इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं इसके ऑयलिंग की तरफ, ये इसका ऑयल है, आपने इसको यूज करने से पहले अच्छे से मिक्स करना है इसको, ठीक है। जो जो इसके बेनिफिट्स है वो मैंने आपको सारे बता दिए, इसके अंदर चीजें जो मेन मेन थी वो भी मैंने आपको बता दी है। इसको आपने खोलना है, ये गिलास बोतल के अंदर है, ठीक है, ये देखिए इसकी पैकिंग है। उसके बाद इसको आपने हल्का सा इस तरीके से हाथ पे निकालना है, बिल्कुल ऐसे, आप चाहे तो इसको हल्का सा गर्म करके भी यूज कर सकते हैं। और इसकी थिकनेस वगैरह देख लें, आपको इसकी क्वालिटी नजर आ जाएगा कि ये ऑर्गेनिक है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोग घर वाले ऑयल, मैंने आप लोगों को इतने बताए हैं, आप लोग वो यूज कर लें। अच्छा, अगर आप गर्म करना नहीं चाहते तो आप हाथों की हथेलियों से भी इसको गर्म कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इस तरीके से देखें बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन में आप बालों की पार्टिंग कर करके जो है वो आप बालों में लगाएं। ऑयली स्काल्प है आपका तो आप कम से कम ऑयलिंग करें, ड्राई और नॉर्मल स्काल्प वाले जो है वो ऑयलिंग किया करें, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मना करते हैं कि जो ऑयली स्काल्प वाले लोग हैं ना वो ऑयलिंग नहीं किया करें। मेरा जो स्काल्प है वो ड्राई है, अगर मैं ऑयल ना लगाऊं ना मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं और फ्रिजी हो जाते हैं, तो मुझे ऑयल लगाना पड़ता है। मेरा दिल करता है मैं पूरे हफ्ते ऑयल लगा के बालों में बैठी रहूं, सिर्फ जब जिस दिन वीडियो शूट करनी थी ना उस दिन मैं शैम्पू कर लूं बालों को। मैं अक्सर ऐसा करती हूं, मैं ऑयल लगा के फिरती हूं, जब मैंने वीडियो शूट करनी होती है तो मैं शैम्पू कर आती हूं, और जैसे वीडियो शूट कर लेती हूं उसके बाद मैं फिर से ऑयल लगा लेती हूं, क्योंकि मैंने बाल आपको पता है काफी ज्यादा कटवाए और मैं चाह रही हूँ कि ईद से पहले जो है वो बाल वापस से थोड़े से लंबे हो जाएं। इस वजह से जो है मैं बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर रही हूँ, बहुत ज्यादा बालों की जो है वो एक्स्ट्रा वाली केयर कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या लगा रही हूँ बालों के ऊपर, बाल जो है वो जल्दी जल्दी लंबे हो जाएं। तो ये है जिसकी ऑयल का सीन, ऑयल का रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। आप अगर किसी डाउट के आप खरीद सकते हैं, आप इस तरीके से बस मसाज करें बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन में, फ्रंट पे भी कर सकते हैं आप, बैक पे भी कर सकते हैं, बालों की लेंथ पे लाजमी ऑयल लगाया करें, क्योंकि बालों की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा ड्राई होती है और वहीं पे स्प्लिटेंट्स बनते हैं, क्योंकि वहां पे जो है डाइट अच्छे से नहीं पहुंचती। तो खैर, बाकी शैम्पू का यूज मैंने आपको बताया हुआ है कि शैम्पू यूज कैसे करना है, हल्का सा डाइल्यूट करके आप शैम्पू को यूज करें, डायरेक्ट सर पे नहीं लगाया करें शैम्पू को, उससे भी आपके बाल टूटते हैं। और इसके अलावा उसको हल्का सा पानी में मिक्स कर लें, उसके बाद अप्लाई करें गीले बालों के ऊपर, और इसके शैम्पू को लगा के आपने 5 मिनट रखना होता है, डायरेक्ट धोना नहीं होता दूसरे शैम्पुओं की तरह। इसका ये है कि आपने इसके शैम्पू को लगा के 5 मिनट बालों पे रखना है, आप बेशक लगा के हल्का हल्का सा इसी तरीके से मसाज कर लें बालों का, और उसके बाद आप धो लें, ऐसा नहीं कि लगाया मिक्स किया और धो लिया, 5 मिनट आपने बालों में रखना है उस शैम्पू को। और सेम कंडीशनर का यूज भी मैंने आपको बताया हुआ है, कंडीशनर को भी पानी में हल्का सा मिक्स करके डाइल्यूट करके उस पानी से बालों की लेंथ को धोएं, सर को मत धोएं, सर को धोएंगे तो फिर ऑब्वियसली हेयर फॉल होगा ही होगा, तो आप बालों की लेंथ को धोएं। कंडीशनर लेंथ के लिए होता है, सर के लिए होता है, सर के बाल जो होते हैं वो ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि नीचे डाइट नहीं मिलती बालों को। आई होप कि जो जिन लोगों को स्पेशली जो मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे वो जो फ्रंट से जो हेयर बाइंडनेस का इशू आ रहा है उससे रिलेटेड आ रहे थे, तो अभी से आप केयर करें ताकि जो आपकी बाइंडनेस है वो आपकी यहीं रुक जाए और आपके जो नए बाल है वो ग्रो हो जाए, क्योंकि अभी जो है वो आपके बालों में बेबी हेयर होंगे, बाल टूटे हैं, जड़े होंगी बालों की, बाल पतले हो गए, पतले पतले बाल होंगे, आप केयर करेंगे तो आपके बाल जो है वो सही हो जाएंगे, आपके लिए पीआरपी तक की नौबत नहीं आएगी, तो बालों की केयर करें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए मैंने रेमेडीज और टोटके वगैरह और ऑयलिंग और मास्क हर चीज बताई हुई है, वो लोग वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।